हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल फिलर्स के कुछ लेटेस्ट बैंकिंग क्वेश्चंस। देखिए, आपने देखा होगा सिंगल फिलर्स के पहले क्वेश्चंस आते थे और अभी भी आते हैं, पर्टिकुलरली बैंक क्लर्क एग्जाम में। उसके बाद डबल फिलर और अब शुरू हुए हैं ट्रिपल फिलर्स के कुछ क्वेश्चंस। ये लेटेस्ट पैटर्न है और इस पैटर्न के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो क्लास में। और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अप्रोच करना है बैंकिंग क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस आपको देखने में काफ़ी टफ लगते हैं प्री और मेंस एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो क्लास में। आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ें examinee.in वेबसाइट पर। इसके लिए आपको लॉग इन या साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉग सेक्शन में जाके इनको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये हैं डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस ना पढ़ते हुए हम रियल क्वेश्चंस ही देखते हैं और रियल क्वेश्चंस की मदद से ही मैं आपको डायरेक्शंस भी बता दूंगा। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, तो बैंकिंग एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आपको डायरेक्शंस जरूर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शंस में लिखा रहता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। और क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन में जितनी वैरायटी इस समय बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिल रही है, दूसरे सेक्शंस में उतनी वैरायटी नहीं है। इंग्लिश सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग प्लस इंग्लिश की नॉलेज को पूछा जा रहा है या टेस्ट किया जा रहा है, जबकि दूसरे सेक्शंस में नॉर्मली ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश सेक्शन को आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ यदि करते हैं तो ना केवल एक्यूरेटली आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, बल्कि टाइम भी आपका काफ़ी कम कंज्यूम होगा। विद इन सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि इंग्लिश के क्वेश्चंस को करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करें, ट्रिक को अप्लाई करें, तब आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम का प्री और मेन सेक्शन निकाल पाएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी टफ लग रहा है, काफ़ी लंबा सा ये क्वेश्चन है, तीन इसमें फिलर हैं, यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग्स दिए हैं इसमें, यहाँ पर ये देखिए, देखने में ही ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है क्वेश्चन। लेकिन इससे डरने की, घबराने की, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कैसे करें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है बैंकिंग एग्जाम में, एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि सारे वर्ड मीनिंग्स आपको पता हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या सारी कंप्लीट आपको इंग्लिश की नॉलेज हो। इंग्लिश की यदि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है और एक एक एवरेज आपकी वोकेबलरी है, तो भी आप बैंकिंग एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन को देखिए, यदि आप एक ट्रेडिशनल स्टाइल में इस क्वेश्चन को करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, पूरा मीनिंग निकालते हैं, सारे वर्ड मीनिंग देखते हैं, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। और मैं जो आपको बताऊंगा उस ट्रिक को यदि आप अप्लाई करते हैं, तो विद इन 4 to 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, बैंकिंग एग्जाम में आपको प्री में 40 सेकेंड का टाइम मिलता है, मेंस में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, 60 सेकेंड का टाइम मिलता है। तो यदि आप 10 सेकेंड का भी टारगेट लेके चलते हैं कि प्री में एक क्वेश्चन को मुझे 10 सेकेंड में करना है, मेंस में आप 20 सेकेंड का टारगेट लेके चल सकते हैं, तो भी आप 30 में से 18 से 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। 30 में से 18 से 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आप आसानी से कर सकते हैं। और 18 से 20 क्वेश्चन यदि आप प्री में करते हैं तो आपका सेक्शनल प्लस ओवरऑल कट ऑफ आसानी से निकल सकता है। यही स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है। और आरसी को आपको सबसे बाद में करना है, आरसी को सबसे पहले नहीं करना है, आरसी को आपको बाद में करना है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और ट्रिकी होता है। ठीक है, तो उसमें यदि वोकेबलरी के क्वेश्चंस हैं तो उनको आप कर सकते हैं सबसे पहले आरसी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। यदि वोकेबलरी के क्वेश्चन नहीं है तो नॉन आरसी जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सबसे पहले करना है, आरसी को आपको बाद में करना है। नॉर्मली आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो नॉन आरसी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करके भी आप सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ निकाल सकते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर हैज़, अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगाइए कि हैज़ अपने साथ क्या लेगा। यहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब आएगी, और वर्ब भी कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म वाली वर्ब आएगी। ठीक है, अब आप डायरेक्ट ऑप्शंस पे आ जाइए। अब इसमें से थर्ड फॉर्म वाली वर्ब कौन सी है, एकोमोडेशंस तो वर्ब नहीं है, एकोमोडेशन तो अपने आप में नाउन है, क्योंकि नाउन में ही हम एस लगाते हैं। एकोमोडेशंस और रिकमेंडेशंस ये दोनों ही नाउन है, तो ये दोनों तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो सकते। अब डिफरिंग भी नाउन है, डिफरिंग भी सॉरी वर्ब है, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, ये थर्ड फॉर्म की वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, फर्स्ट में, फर्स्ट में या तो एंटर्ड हो सकता है या आपका वैसिलेटेड हो सकता है। अब यहाँ पर एक कीवर्ड देखिए, कीवर्ड है यहाँ पर बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, और वैसिलेट का मतलब भी होता है दो चीज़ों के बीच में। सपोज आपके पास दो ऑप्शन है, या सपोज आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाता है, एक तरफ आपका सिलेक्शन हुआ है SBI PO में, एक तरफ हुआ है PNB
पीएनबी पीओ में, तो अब आप कंफ्यूज हैं कि आप एसबीआई में जाएं या पीएनबी। पीएनबी आपके घर के पास है, एसबीआई दूर है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज ज्यादा हैं। तो आप इस समय क्या कर रहे हैं, आप वैसीलेट कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं दो ऑप्शंस के बीच में। ठीक है, जैसे एक घड़ी होती है, आपने देखा होगा घड़ी एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, पहले इस पॉइंट पर जाती है, फिर इस पॉइंट पर आती है, फिर इस पॉइंट पर जाती है, फिर इस पॉइंट पर जाती आती है, तो उसी को हम वैसीलेट कहते हैं। अब वैसीलेट यहां पर क्यों आ रहा है, वैसीलेट इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, हैज अपने साथ थर्ड फॉर्म लेगा, और एक यहां पर आपका जो कीवर्ड है वो है बिटवीन। ठीक है, जब आप वैसीलेट होते हैं तो दो चीजों के बीच में वैसीलेट होते हैं, और बिटवीन हमेशा दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है बिटवीन। तो इसलिए यहां पर फर्स्ट में आपकी श्योर शॉट जो आंसर होगा वो होगा वैसीलेट। अब आपको क्या करना है, अब आपको टाइम बचाने के लिए, देखिए यहां पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को नहीं पढ़ना है और सीधे आपको आंसर पर जाना है। ठीक है, यानी फर्स्ट में क्या आएगा, थर्ड आएगा, तो यहां पर भी फर्स्ट में थर्ड है वो आपका आंसर होगा। अब देखिए क्या इसमें फर्स्ट में थर्ड है, नहीं है, इसमें फोर्थ है। क्या इसमें है, क्या इसमें है फर्स्ट में थर्ड, नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, तो आपका आंसर निकल के आ गया सेकंड। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, यहां पर हालांकि ये वीडियो क्लास है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इस तरीके से यदि क्वेश्चन को आप करते हैं तो पूरी एक्यूरेसी के साथ 4 या 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए आगे वाले क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, आगे वाले ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ये अपने आप सही हो जाएंगे। यदि यदि देखिए फर्स्ट सही है तो बाकी वाले ऑप्शन तो अपने आप सही हो जाएंगे, क्योंकि सही ऑप्शन ही इसके साथ कंबाइन होंगे। ये थोड़ा सा यहां पर आप दिमाग लगाइए, ठीक है, और सेकंड के अलावा दूसरे किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट में थर्ड नहीं है। यदि दूसरे किसी ऑप्शन में फर्स्ट में थर्ड होता तो उसको हम फिर देखते और उसके बाद हम पूरे सेंटेंस को पढ़ते, लेकिन चूंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट में थर्ड है तो हमें दूसरे ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां से पढ़िए, द टेलीकॉम रेगुलेटरी हैज वैसिलेटेड बिटवीन मेकिंग वाइड रेंजिंग, यहां पर आएगा रिकमेंडेशन ऑन डेटा प्रोटेक्शन, जनरली इग्नोरिंग देयर इंपैक्ट ऑन नॉन टेलीकॉम सेक्टर्स ऑन द वन हैंड एंड डिफरिंग टू द श्री कृष्णा कमेटी ऑन द अदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी हैज वैसिलेटेड, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो वैसिलेट कर रही है, वो दो ऑप्शंस के बीच में इधर उधर हो रही है। एक तरफ तो वो वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशंस दे रही है और दूसरी तरफ वो श्री कृष्णा कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उनसे डिफर कर रही है। डिफर का मतलब होता है डिसएग्री करना, और इफ यू डिफर टू समबडी इसका मतलब ये है कि आप उससे डिसएग्री हो गए और आपने उसके ऊपर छोड़ दिया कि आप वट एवर डिसीजन यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक डिसीजन, आई हैव डिफर टू यू। ठीक है, तो डिफर का ये मतलब होता है, हालांकि डिले और पोस्टपोन के सेंस में भी हम डिफर को यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर क्या आंसर बना आपका, आपका आंसर बना सेकेंड, और इस आंसर पर आप बैट लगा सकते हैं, आप शर्त लगा सकते हैं कि, क्योंकि शर्त क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इस आंसर को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ये जस्टिफाइबल आंसर है। और इसी तरीके से आपको सारे सेक्शंस में करना है, वेदर इट इज मैथ्स और रीजनिंग और करेंट अफेयर्स और इंग्लिश, आपको जस्टिफाइबल आंसर्स को देना है, आप उसको जस्टिफाई कर सकें कि ठीक है मैं शर्त लगा सकता हूं, मैं जस्टिफाई कर सकता हूं कि यहां पर थर्ड ही क्यों होगा। ठीक है, तो या इस तरीके से आपको बैंकिंग क्वेश्चंस को करना है, तो यहां पर आपका आंसर होगा सेकेंड, और इसको मैंने अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया है कि सेकंड ही क्यों होगा, और सारे वर्ड मीनिंग मैंने बता दिए हैं आपको। एंटर्ड का मतलब कहीं पर घुसना, डिफर का मतलब डिले करना, वैसिलेट का मतलब दो ऑप्शंस के बीच में वैसिलेट करना, एकोमोडेशंस मतलब एडजस्ट करना, रिकमेंडेशंस मतलब अपना सलाह या अपना अपना सुझाव देना, कमेटीज जो होती हैं वो नॉर्मली रिकमेंडेशंस देती हैं। ठीक है, तो श्री कृष्णा कमेटी की यहां पर बात हो रही है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं और यहां पर बहुत डिटेल में मैं सारे वर्ड मीनिंग्स भी आपको बताऊंगा। अब देखिए आजाद सेड आर क्रिएटेड, अब यहां पर आप कॉमन सेंस लगाइए कि क्या आएगा, ये किस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यहां पर आ सकता है। आजाद तो अपने आप में सब्जेक्ट है और सेड अपने आप में वर्ब है, अब यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होगा। अब इसमें आर दिया है तो आर से पहले क्या आएगा, यदि मैं बोलूं कि दे आर स्मार्ट या दे आर इंटेलिजेंट, तो दे क्या है, दे अपने आप में नाउन या प्रोनाउन है, तो आर से पहले यहां पर
किस चीज की पोजीशन है, ये नाउन की पोजीशन है, यहां पर नाउन आएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें नाउन इस्टेब्लिश, क्या नाउन है, इस्टेब्लिश वर्ब है, हार्मनी नाउन है, रैपर डिसरप्ट वर्ब है, ठीक है। तो हमने दो ऑप्शन निकाल दिए यहां से। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि आजाद सेठ, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपने सुना होगा, तो वो कैसे थे, कैसे व्यक्ति थे, वो देशभक्त थे या देशद्रोही थे, देशभक्त थे वो, ठीक है। तो देशभक्त थे तो वो देशद्रोहियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आर क्रिएटेड बाय फोर्सेस हु वांट टू, तो इस सेंटेंस को देखने से ही एक अंदाजा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि र्यूमर्स आर क्रिएटेड बाय फोर्सेस हु वांट टू डिसरप्ट। यहां पर मैंने डिसरप्ट क्यों बोला, क्योंकि जो फोर्सेस होती हैं, आजाद कह रहे हैं कि जो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं या टेररिस्ट फोर्सेस होती हैं, वो किसी भी चीज को क्या करती हैं, नॉर्मली डिसरप्ट करती हैं, उसको इंटरप्ट करती हैं। अब देखिए यहां पर मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं किस तरीके से करना है, वर्ड कॉम्बिनेशन ट्रिक है। कम्युनल, यदि आप अखबार पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो कम्युनल का मतलब, कम्युनल के साथ कौन सा वर्ड नेचुरली जुड़ सकता है, क्या र्यूमर्स जुड़ सकता है, कम्युनल रूमर्स क्या होगा, कम्युनल र्यूमर्स। लेकिन आपने बहुत कॉमनली ये पढ़ा होगा कम्युनल हारमोनी। कम्युनल हारमोनी का मतलब होता है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अलग 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 रीजनल कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में यूनिटी होना, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होना, उसको हम बोलते हैं कम्युनल हारमोनी। तो कम्युनल के साथ जो मोस्ट कॉमन वर्ड है जो जुड़ सकता है वो है हारमोनी। यानी थर्ड में यहाँ पर केवल फोर्थ ऑप्शन ही आ सकता है। अब आप देखिए इनमें ऑप्शंस में कि किस में थर्ड में फोर्थ है, थर्ड में फोर्थ है इसमें, नहीं है। थर्ड में फोर्थ है, नहीं है। थर्ड में फोर्थ है, नहीं है। थर्ड में फोर्थ है। यानी ये आपका आंसर होगा यहां पर, थर्ड में फोर्थ इसमें है, नहीं है। तो आप देखिए मैंने किस तरीके से आंसर निकाला, केवल एक वर्ड को मैंने पकड़ा और उसकी वजह से पूरा सेंटेंस मेरा सही हो गया। अब चूंकि ये वाला जो ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन जो सही है फोर्थ वाला, मतलब लास्ट में फोर्थ आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएंगे, क्योंकि सही ऑप्शन ही इसके साथ जाएंगे, फोर्थ के साथ कोई गलत ऑप्शन थोड़ी जुड़ेंगे यहाँ पर। जो जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं वो सही ही होंगे, इसलिए उनको आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ये वीडियो क्लास है, इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। आजाद सेड र्यूमर्स आर क्रिएटेड बाय फोर्सेस हु वांट टू डिसरप्ट द कम्युनल हार्मनी इन द कंट्री। ये बिल्कुल सही है। जो र्यूमर्स क्रिएट होते हैं, जो टेररिज्म क्रिएट होता है, वो उन फोर्सेस के द्वारा क्रिएट होता है जो कम्युनल हार्मोनी को डिसरप्ट करना चाहते हैं, यानी उसको इंटरप्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई 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 इवेंट है, कोई एक्टिविटी है, कोई प्रोसेस है, उसको आपने आपने रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि उसमें आपने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, उसको आपने इंटरप्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डिसरप्ट। ये एक वर्ब है और इसका नाउन फॉर्म होगा डिसरप्शन। अब यहां पर आप देख सकते हैं, इंटरप्ट एन इवेंट एक्टिविटी और प्रोसेस बाय कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम, ठीक है। तो फ्लडिंग डिसरप्टेड रेल सर्विसेज, फ्लडिंग यानी बाढ़ ने रेल सर्विसेज को क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया, उसको इंटरप्ट कर दिया। तो ये इस वर्ड का मीनिंग है, काफी कॉमन ये वर्ड है। रैपर होता है एक एस्टेब्लिशमेंट, एक हार्मनी, दो लोगों के बीच में एक यूनिटी या यूनिफॉर्मिटी, या उन दोनों में मिलना या बनना, एक अच्छा जो संबंध होता है दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में या दो पार्टीज के बीच में, उसको हम बोलते हैं रैपर। जैसे यहाँ पर आप एक सेंटेंस पढ़िए, सी वॉज एबल टू एस्टेब्लिश अ गुड रैपर विद द चिल्ड्रन, मतलब टीचर के बारे में बोल रहे हैं कि वो एक अच्छी रैपर उन्होंने बना ली थी टीचर ने बच्चों के साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक बेस्ट ट्रिक है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉपर्स और रैंकर्स होते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 से 5 महीने बैंकिंग एग्जाम को निकालते हैं, वो इस सेम ट्रिक को अप्लाई करते हैं और सेम ट्रिक को फॉलो करते हैं। जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल ट्रिक्स को। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, पूरे मीनिंग्स पढ़ेंगे और सारे ऑप्शंस को देखेंगे, तो वो एक इलॉजिकल तरीका है, गलत तरीका, और उस तरीके से आप कभी भी हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए इसको भी मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा जिस तरीके से मैं नॉर्मली बताता हूँ। देखिए इसमें यदि आप पूरा सेंटेंस पढ़ें, द अपोजिशन सेड इफ द सेंटर फेल टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट्स ओन मिनिस्टर्स एंड एमपीस हु गार्लैंड द ऑफ मॉब लिंचिंग द ऑफ फेक न्यूज कुड नेवर बी। देखिए कुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, इनके साथ क्या आएगा,
कुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन होते हैं और इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी यहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें केवल रिजॉल्व्ड है, यानी आखिरी वाला जो ऑप्शन होगा वो फिफ्थ होगा। क्या इसमें फिफ्थ है आखिरी में? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। आपका आंसर होगा ये फिफ्थ, क्योंकि इसमें आखिरी ऑप्शन में है फिफ्थ। अब मैंने देखिए क्या किया, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, सारे ऑप्शंस नहीं देखे और आंसर निकाल दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर मैंने देखा कि कुड बी, शुड बी और मे बी और माइट बी के साथ केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें केवल रिजॉल्व्ड है। देखिए ये बैंकिंग एग्जाम में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछे गए, ये रियल क्वेश्चन है और कितनी आसानी से मैं आपको इनको करके बता रहा हूं। तो आपको बैंकिंग एग्जाम से या बैंकिंग क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंटली जाना है और कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करनी है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी किसी भी बैंकिंग एग्जाम में। तो यहां पर आपका आंसर होगा आपका सेकेंड, सॉरी फिफ्थ। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। द अपोजिशन सेड इफ द सेंटर फेल टू टेक एक्शन, अपोजिशन पार्टी बोल रही है कि सेंटर यदि फेल हो जाता है एक्शन लेने में, किसके खिलाफ? अपने खुद के मिनिस्टर्स और एमपी के खिलाफ। हु गार्लैंड द यहां पर हम आएगा हु गार्लैंड द सेकेंड फोर्थ आएगा यहां पर हु गार्लैंड द मैनस ऑफ नहीं नहीं यहां पर आएगा ये गलत हो रहा है यहां पर आएगा आपका यहां पर आ जाएगा आपका रिजॉल्व्ड और यहां पर होना चाहिए हु गार्लैंड द कल्प्रिट्स यानी सेकंड नहीं नहीं ये गलत आंसर बन रहा है इसका सेकंड फोर्थ और फिफ्थ देखिए इसमें आ जाएगा सेकंड हाँ सही है हु गार्लैंड द कल्प्रिट्स ऑफ मॉब लिंचिंग द मैनेस ऑफ हाँ सही तो है मैनेस ऑफ फेक न्यूज कुड बी रिजॉल्व सही है सेकंड फोर्थ और फिफ्थ ही आएगा देखिए इसमें हम सेकंड को फिल करते हैं द अपोजिशन सेड इफ द सेंटर फेल टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट्स ओन मिनिस्टर ऑफ एमपीज हु गार्लैंड देखिए यहां पर द लगा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर नाउन ही आ सकता है और नाउन है कल्प्रिट्स हु गार्लैंड अभी मैं बताता हूं कल्प्रिट्स और कन्विक्ट्स क्या होते हैं और यहां पर कल्प्रिट्स ही क्यों मैं क्यों फिल कर रहा हूं अभी मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा हु गार्लैंड द कल्प्रिट्स ऑफ मॉब लिंचिंग और यहां पर आ जाएगा कल्प्रिट्स ऑफ मॉब लिंचिंग द मैनस ऑफ फेक न्यूज कुड नेवर बी रिजॉल्व्ड द मैनस क्या होता है मैनस होता है एक परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम कोई भी जैसे हम बोलते हैं नाक में दम उसने मेरा नाक में दम कर दिया कोई भी प्रॉब्लम कोई भी पर्सन कोई भी थिंग जो हार्म को क्रिएट करता है जो थ्रेट को क्रिएट करता है जो किसी परेशानी को क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं मैनस कल्प्रिट का क्या मतलब है कल्प्रिट मतलब जिसने कोई गलत काम किया है लेकिन उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कन्विक्ट मतलब जिसके ऊपर कोर्ट में आरोप सिद्ध हो चुका है तो यहां पर हम मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं मॉब लिंचिंग मतलब जैसे भीड़ है काफी सारी लोग और उनको लग रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन या ये पर्सन गलत है तो वो उसको अटैक करने लगते हैं बिना किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के तो उसको हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं ठीक है तो अब आप यहां पर सेकंड भरेंगे और सेकंड जो ऑप्शन है उसमें आएगा फोर्थ यानी मैनस और थर्ड में आएगा रिजॉल्व यानी आपका आंसर होगा फिफ्थ ठीक है इसको हम पढ़ लेते हैं फिर से एक बार द अपोजिशन सेड इफ द सेंटर फेल टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट्स ओन मिनिस्टर्स एंड एमपीज हु गार्लैंड द कल्प्रिट्स ऑफ मॉब लिंचिंग द मैनस ऑफ फेक न्यूज कुड नेवर बी रिजॉल्व मतलब अपोजिशन ने ये बोला है कि यदि सेंटर एक्शन नहीं लेता है अपने मिनिस्टर्स के अगेंस्ट और अपने एमपीज के अगेंस्ट ऐसे मिनिस्टर और एमपीज के अगेंस्ट जो मॉब लिंचिंग को गार्लैंड करते हैं मतलब उसको सपोर्ट करते हैं ठीक है तो जो मैनस है जो परेशानी है जो दिक्कत है फेक न्यूज़ को उसको कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता तो ये इस सेंटेंस का मतलब है और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और सेम इसी तरीके से आपको सभी बैंकिंग क्वेश्चंस को करना है और इस कोर्स में मैं आपको सभी तरह के क्वेश्चंस कराता हूँ ऐसा नहीं है कि केवल नए पैटर्न क्वेश्चन चाहे वो क्लोज टेस्ट हो पैराजम्बल हो स्पॉटिंग रर हो सभी की मैं ट्रिक्स और लॉजिकल रीजनिंग आपको बताता हूँ उनको आपको अप्लाई करना है
अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्रसाद सेड अ। अब देखिए यहां पर ए लगा है, तो ए का मतलब यह है कि यहां पर आप नाउन को ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। टू एजुकेट स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल को एजुकेट करने के लिए यहां पर एक नाउन हो सकती है। तो नाउन दो हैं इसमें, एक्सपेंशन भी नाउन है, प्रोपोगेशन भी नाउन है, कैंपियन भी नाउन है। चलिए इसको आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, देखिए ध्यान से देखिए थर्ड ऑप्शन को, यहां पर लिखा है अप, और अप के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है? क्या प्रोग्राम जुड़ सकता है? प्रोग्राम अप कुछ होता है? नहीं होता। टेकन अप होता है? होता है। तो केवल टेकन ही थर्ड में आ सकता है, बाकी कैंपेन अप थोड़ी बोलेंगे आप, कैंपेन अप, एक्सपेंशन अप, प्रोपोगेशन अप थोड़ी बोलेंगे। टेकन अप आप बोल सकते हैं, टेकन अप का मतलब किसी चीज़ को हाथ में लेना है, उसको अप्लाई करना, शुरू करना, ठीक है। आई हैव टेकन अप दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तो टेकन के साथ केवल आप ही हो सकता है, यानी लास्ट ऑप्शन में केवल सेकेंड ही आ सकता है। तो लास्ट ऑप्शन में सेकेंड कौन सा है? देखिए लास्ट ऑप्शन इसमें है सेकेंड, लास्ट ऑप्शन में सेकेंड है? नहीं है। इसमें है? इसमें है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ये, क्योंकि इसमें लास्ट ऑप्शन में सेकेंड है, ठीक है। अब आप देखिए पढ़िए इसको, पूरे सेंटेंस को, यानी फर्स्ट में आपको थर्ड लगाना है, फर्स्ट में आपको थर्ड लगाना है, थर्ड मतलब कैंपेन लगाना है, और कैंपेन यहां पर बिल्कुल सही है। पिसास सेड अ कैंपेन टू एजुकेट स्कूल चिल्ड्रन अबाउट द मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर, अब सेकेंड में क्या आएगा? सेकेंड में आएगा फिफ्थ, प्रपोगेशन। प्रपोगेशन क्या होता है? किसी चीज़ को फैलाना, किसी चीज़ का प्रचार करना, और इस चीज़ के लिए सोशल मीडिया को लोग यूज़ करते हैं, प्रचार हो, गलत प्रचार हो या सही प्रचार हो, या पार्टीज़ हो, वो सोशल मीडिया को प्रपोगेशन के लिए या उसको उसको स्प्रेड करने के, फैलाने के लिए उसको यूज़ करती हैं। तो प्रपोगेशन वर्ड यहाँ पर सही है, प्रपोगेशन का मतलब होता है स्प्रेड, और इसके लिए कुछ वर्ड्स और दिए हैं मैंने, डिसेमिनेशन भी इसको आप बोल सकते हैं, डिसेमिनेट बोलते हैं, प्रोमलगेशन भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सेकंड। तो ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, और देखिए कितनी आसानी से, कितने विद इन सेकेंड्स मैंने इन क्वेश्चंस को करके बताया है। तो इसलिए आपको बैंकिंग क्वेश्चंस को देखने के बाद जब आप डर जाते हैं, डरना नहीं है आपको, नर्वस नहीं होना है, और आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको ये नहीं सोचना है कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। मैं 90% केसेस में रियल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराता हूं स्टूडेंट्स को, जो रियल बैंकिंग क्वेश्चन है, जो बैंक में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराता हूं, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्री और मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डिस्करेज या डीमोटिवेट नहीं होना है, और पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही बैंकिंग एग्जाम देने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस वीडियो क्लास को खत्म करता हूं। आपको कोई भी फीडबैक यदि आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।